हेलो एंड वेलकम टू कारखाना दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं फिर से आज आ गया हूँ क्रिस्टल कार केयर पे, पीछे आप मेरे देख रहे हो। और आज जिस गाड़ी में काम हो रहा है ये आपने थंबनेल पे देख लिया, बट आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है महिंद्रा की XUV 700। आज इसमें क्या क्या काम हो रहा है आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो टॉप मॉडल देखो, टॉप मॉडल में बहुत कुछ क्या ही करवाओगे, बट हाँ ठीक है, आपको अगर एडवांस करवाना है ना तो छोटे छोटे एडवांस आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कि आप अपनी गाड़ी पे करवा लोगे तो आपकी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो चलो आपको मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ। पहले तो गाड़ी की लुक वैसे ही अच्छी लगती है, फिर आप यहाँ पर देखो क्या लगा जा रहा है, डिफ्यूज़र लगाए जा रहे हैं फ्रंट में, बहुत अलग लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी की जो लुक है ना, और ज़्यादा मस्कुलर हो गई है। ये आपको दिखा देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि साइड बिडिंग जो है ना 700 में देखो कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप देखो ये कैसी लग रही है, और इसको जब लगाएंगे ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है इसकी साइड बिडिंग, बहुत ही क्लासी फिनिशिंग में है, और क्वालिटी आप चेक कर सकते हो वीडियो पे एक है, और एक दूसरी वाली ये है। देखो लगने के बाद ना कुछ इस तरह से लगेगी, ये लुक्स आप देख सकते हो गेट पे, ये रियर डोर पे है। अब ये फ्रंट में भैया लगाएंगे, आपको कंप्लीट दिखाता हूँ मैं। पहले प्राइमर का कोट कर रहे हैं भैया। और भी कुछ चीज़ें होनी है, ये सब आपको दिखाऊंगा। पीछे दिखा देता हूँ मैं, साथ में यहाँ पर डिक्की पट्टा भी लगाया, ये आप देख सकते हो महिंद्रा की बैजिंग के साथ में है। ये देखो भाई लुक तो आ रही है, और पूरा ना ये एक मेटल का लुक दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखो 700 का ये टॉप मॉडल है भाई, इसमें आता नहीं है, बट लगा लो अगर आफ्टर मार्केट तो काफ़ी क्लास इसमें लगता है। नाइस। और ये रिफ्लेक्टर्स हैं, ये भी अभी चेंज होंगे। एम्बियंस लाइट अब लगाई जाएगी, इसलिए भैया इसके जो पैनल्स हैं, डोर पैनल यानी कि गत्ते, उसको निकाल रहे हैं अभी, उसके बाद इसमें फिट करेंगे। भैया पूरा गत्ता निकालने के बाद ही लगेगा ना? ठीक है, तो पूरा गत्ता निकालेंगे, उसके बाद आराम से इसको लगाएंगे, फिर हम आपको लाइट भी जला कर इसके दिखाएंगे। चलो अब आपको दिखाऊं मैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बिडिंग जो है ना, देखो आप किस तरह की लग रही है, ये दोनों डोर्स पे आप देख रहे हो अभी। तो अब आप देख सकते हो इसका डिफ्यूज़र जो कि फ्रंट पे लगा है, ज़बरदस्त लुक के साथ में। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो बैजिंग है ना ये आपको देखने के लिए मिलेगी, देख रहे हो। साथ में जो क्लिपर्स यहाँ पर दिए हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं, कंट्रास्ट में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्पोर्टी लुक इस गाड़ी को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जो दो चार चीज़ें हैं लगी हैं इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं, इसमें जो एक्स्ट्रा लगाई गई है, जैसे कि इसमें साइड बिडिंग आप देख रहे हो, ये मैंने एक शॉट में आपको दिखाया था अभी, ये देखो ये पीछे वाला है, देखो किस तरह की है, बिल्कुल ये मेटल आपको लगेगा, गाड़ी का ही पार्ट लग रहा है, कलर के ही अकॉर्डिंग इसको लगाया गया है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। आप कमेंट कर रहे हैं, आपको बताना है कि ये कैसा लग रहा है आपको। जो बम्पर गार्ड है ये भी आप देख सकते हो किस तरह का है, पीछे ना स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी थोड़ी आगे करवा देते हैं। ये देखो तो कुछ इस तरह से है, कलर काफ़ी अच्छा लगाया गया है, ये अच्छा लग रहा है। तो ये 700 के जो गत्ते हैं ना, यानी कि साइड पैनल जो है डोर के, ये सब निकाल लिए, इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे आप एम्बिएंट लाइट लगाएंगे, फिर आपको दिखाता हूँ कंप्लीट में। लो भाई अब रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर लगा रहे हैं भैया, ये देखो कंपनी से आपको पता है ये सब एक डमी आते हैं, बट उसको चेंज करके अभी यहाँ पर लगा दिए गए, जिसमें अभी लाइट भी आपको जला कर दिखाएंगे हम। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एम्बिएंट लाइट, ये देखो ये पतली सी स्ट्रिप आप देख रहे हो ना, यही एम्बिएंट लाइट है जो कि अभी डोर्स में लगेगी और फ्रंट में यहाँ पर लगेगी। अब यहाँ लगती है या फिर यहाँ लगती है ये तो अब देख के ही पता लगेगा जब ये लग जाएगी, फिटिंग हो जाएगी, बट लगेगी बहुत खूबसूरत। गाड़ी का इंटीरियर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, देख लो आप। लो भैया एम्बिएंट लाइट भैया लगा रहे हैं, क्या हाल है भैया? ये देखो कैसी पूरी फिटिंग कर रहे हैं, यहाँ से पैनल से ये गत्ते से पैनल निकाल लिया पूरा,
अब यहाँ पर। अच्छा ये कटिंग करके लगाते हुए कोई खराबी तो नहीं आती इसमें? नहीं, कोई खराबी नहीं होती है। ओके, तो सारा क्लिपिंग वगैरह है इसके अंदर, तो अपन फिट होने के बाद ये निकलता भी नहीं है ना इजीली? ओके ले भाई पहले ना फिट हो तो इसके भी उसका दोनों से तुम्हारा सब अब ORVM पे भी गार्निश लगा दी गई है और सेम उसका कलर भी आप देखोगे तो ये भी सेम वैसे ही मेटलिक कलर में ही है। बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा और सा नहीं लग रहा। और देखो वैसे तो क्रोम में भी आता बट ये वाला ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये बिल्कुल ही मेटल सा लगता है देखने में। ये देखो एक बारी को पता ही नहीं चल रहा कि अलग से ये पीस लगाया है ना। बाकी कमेंट करो आप देखो और बताओ कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग यार थोड़ा सा तो प्यार दे दो, सबको देते हो यार प्यार हमें भी तो दो, चैनल सब्सक्राइब करो यार। चैनल सब्सक्राइब करते ही नहीं बहुत लोग चले जाते हैं भाई लोग अपने बिना चैनल सब्सक्राइब किए। वेलकम प्लेट भी लगा दी भैया ने, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइड बिडिंग जो कि भैया अब यहाँ पे लगाएंगे बम्पर पे, कुछ इस तरह की स्टाइलिंग में है, बहुत ज़बरदस्त। ये 3M टेप लगी हुई है इसके ऊपर इसके पीछे। और अब भैया अब पहले प्राइमर कोट करेंगे जिससे इसकी पकड़ जो है ना ये मजबूत हो जाएगी। क्लैरिटी कैसी आ रही है इसमें भैया की, देखे जरा ले लेंगे हम भी एक लो बढ़िया सबसे जो सी खासियत मुझे यही लग रही है इससे जो कलर है यहाँ पर जो कलर टेक्सचर दिया वो बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेटल वाला फील आएगा यहाँ पर आपको। क्रोम नहीं है ये आपको बता दूँ, क्रोम जैसा कुछ भी नहीं है चमकीला सा, बट हाँ ये आपको मेटल वाला मिलेगा तो ये गाड़ी की जो कलर है ना उसके ऊपर भी बहुत अच्छा जा रहा है। नाइस। तो भाई अब ये देख रहे हो अब ये रियर का डिफ्यूज़र आ चुका है और ये देखो M-Tech की यहाँ पर बैजिंग दी हुई है रेड ब्लैश यहाँ पर, जो पियानो ब्लैक है एक भैया थोड़ा रास्ता छोड़ दो, यहाँ पर आपको रेड इंसर्ट्स भी मिल जाएंगे और पियानो ब्लैक यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी आपको क्रोम और पियानो ब्लैक मिल रहा है प्लस आपको सिल्वर में मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रहा है लगने के बाद। तो देखो भाई डिफ्यूज़र अब लग चुका है पीछे की तरफ, ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखो। और रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर लग चुके हैं कम्प्लीट अब, और भैया अब बम्पर गार्ड लगा रहे हैं इसमें। तो अब साइड बिडिंग देखो लगी हुई है, साइड बिडिंग किस तरह की लगी हुई है यहाँ पर, चाबी चाहिए उनकी। फ्रंट में भी आप देखो अब लगने के बाद ये कैसी लग रही है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पर हमारे जो भाई हैं उन्होंने ऐड करवा लिया, अब इसमें डैम्पिंग होगी, मेगा ऑडियो की डैम्पिंग है ये, अब ये देख सकते हो। और डोर में फिट होगी, चारों डोर्स में इसको लगाएंगे अभी। और आपको बता दूंगा डबल लेयर में काम होगा, यानी कि इसके अंदर भी लगेगी और ये बाहर वाले पैनल पे भी लगेगी, तो काफ़ी हैवी भी इससे बॉडी हो जाती है। और साउंड इफेक्ट जब आप म्यूज़िक यूज़ करते हो ना इसमें जब स्पीकर चलते हैं तो उसका साउंड इफेक्ट अच्छा आता है, बाहर की नॉइज़ गाड़ी में और काम आती है। तो अब यहाँ पर एम्बिएंट लाइट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये डोर है भाई 700 की बात ही अलग है, ऊपर से ये लाइट लगने के बाद क्या लुक आ रही है गाड़ी का भी देख सकते हो। फ्रंट पे आप देखो डैश पे एक क्लास लगेगा आपको, लगेगा नहीं कि अपने हम कोई देसी गाड़ी में बैठा, ऐसा लगेगा कि आप मर्सिडीज़ या ऑडी में बैठे हुए हो या BMW में बैठे हो, कुछ इस तरह की जो लुक है ये आ रही है लाइट लगने के बाद। पीछे वाले डोर पे भी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, बट आप यहाँ पे ये लाइट देख सकते हो क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। मोड इसके अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करती है, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी फ़ोन में, उसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को एक काम कैसा लग रहा है। पीछे वाली सीट्स पे भी मैं आपको अभी ले चलूँगा, वहाँ पे भी दिखाऊंगा डोर्स में कैसा लग रहा है, बट आप इसकी बारीकी देखो। देखो मार्केट में ना हर रेंज में अवेलेबल है, हर तरह की लाइट आती है, सस्ती भी लग सकती है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगा सकते हो। एक्सपेंसिव लगाओगे तो क्वालिटी के ऊपर ही होता है, मतलब जितना पैसा वो बोलते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, तो वही वाली बात है, जितना पैसा आप लगाओगे उतने हिसाब की उतनी अच्छी चीज़ आपको, क्वालिटी की चीज़ आपको मिल जाएगी। नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एम्बिएंट लाइट लगाई गई है, जो कि एक बारी मैं डोर बंद करूँ
अब आप देख सकते हो किस तरह की जो लाइट है, यहाँ पर एक लाइट दिखाई दे रही है आपको, ये चारों सीट्स के नीचे लगाई गई है, काफ़ी अच्छा एक माहौल बनाती है भाई गाड़ी में। अगर आप दोस्तों यारों के साथ बैठे हो ना तो काफ़ी अच्छा आपको ये फील कराएगी। देखो आप डोर बंद करने के बाद आप इसकी जो लुक है ना, ये देखो कैसी आ रही है भाई। पूरे नंबर मैं तो देना चाहूँगा गाड़ी को, क्या काम हुआ है ज़बरदस्त। देखो उस वाले डोर पे भी आप देखो, सामने वाले डोर पे ड्राइवर साइड पे, और स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड में भी आप देखोगे ये पार्ट जो है यहाँ पर भी लगाया गया। फिनिशिंग बहुत अच्छी है काम में, मैं ये कहूँगा। ये देखो अलग अलग मोड पे ये भैया अभी यहाँ पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। देखो कितने सारे कलर्स हैं, RGB कलर्स में काफ़ी डिसेंट कलर इसमें लग रहे हैं। वाओ, इसमें वॉइस कमांड भी है, जैसे आप बोलोगे हम गाड़ी में जो म्यूज़िक चल रहा है उसके थीम पे भी ये लाइट जो है ये वर्क करती है। नाइस, ये आपकी चॉइस होगी, जैसा भी आप करना चाहो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो भैया डैम्पिंग अब कंप्लीट हो गई है और डिग्गी पे लगा रहे हैं इसको भैया। कोई एरिया नहीं छोड़ा भाई, बहुत तसल्ली से काम हुआ है और हर जगह पे इसको कवर किया है। डैम्पिंग चारों डोर्स में या पांचों डोर में बोलो, पांचों डोर्स में जो डैम्पिंग है वो करी गई है। देखो गाड़ी में काम कंप्लीट हो गया है। नीचे जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, तो रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पर लग चुकी है, रियर रिफ्लेक्टर्स ये देखो, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। जो कंपनीज आते हैं वो तो डमी होते हैं, आपको पता ही है, वो जलते नहीं है, बट यहाँ पर अभी मैं आपको अब वर्किंग कंडीशन में इसको दिखा रहा हूँ दोनों तरफ। ये देखिए क्या लुक आ रही है लगने के बाद, ज़बरदस्त। अब गाड़ी के अंदर भी आप देख सकते हो एम्बिएंट लाइट जलाने के, हाँ भाई ने आप जला दिया है, एक बारी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो ड्राइवर साइड में आप देखो डैश पे, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है यार, लुक बहुत प्यारी है। बाकी आप लोग कमेंट करो बताओ कैसी लग रही है। एक्चुअली 700 में जो स्क्रीन आती है इतनी बड़ी होती है, आप इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्क्रैचेस से। ये आप देखो तो विजय भैया खुद इसको अभी लगा रहे हैं। ये लो जी भाई लग के कंप्लीट हो चुका है स्क्रीन गार्ड। तो जो भी काम इस गाड़ी में हुआ है सब कुछ आज हुआ है क्रिस्टल कार केयर पे, जो कि करोल बाग में है, और यहाँ के आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, ज़बरदस्त काम होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो कोई भी वेरिएंट हो। जैसे कि टॉप वेरिएंट में भी काम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस मॉडल पे ही काम हो रहा, टॉप मॉडल में भी जो ऐसी चीज़ें जो कंपनी से भी आपको नहीं मिलता वो सब चीज़ें आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। आपको मैंने ऐसे आज कई सारी चीज़ें दिखाई जो कि भाई कंपनी टॉप वेरिएंट में भी नहीं देती हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हर बारी कि भाई बेस से टॉप बनाया, बट यहाँ पर जो टॉप वेरिएंट है जिसमें कंपनी से आप जो टॉप वेरिएंट लेके आते हो टॉप मॉडल लेके आते हो उसमें भी वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर लगाई जाती हैं इंस्टॉल की जाती हैं, और वो भी आपके बजट के अंदर बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख सकते हो आप किस तरह का काम हुआ है इसकी, चाहे एम्बिएंट लाइट हो, फुट रेस्ट हो, डोर वाइजर हो, साइड बीडिंग्स हो, डिक्की गार्निश हो, रियर और फ्रंट के डिफ्यूजर्स हो, या फिर स्क्रीन गार्ड हो, आप सब कुछ लगवा सकते हो। आप और भी कुछ लगवा सकते हो, बहुत कुछ लगवा सकते हो, जो भी आपके टॉप वेरिएंट में भी नहीं आया वो सब यहाँ पर
लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने 7 मिनट में आज जो भी काम देखा है, ये तो आज कम ही काम था मैं ये बोलूँगा। बहुत सारा कुछ इसमें आप करवा सकते हो, अगर आपके पास टॉप वेरिएंट नहीं है और कोई नीचे का वेरिएंट है तो उसमें बहुत कुछ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगवा सकते हो। बाकी आप और क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना।